उन्नाव में युवक ने पत्नी और 4 महीने की बेटी को कुल्हाड़ी से काट डाला, खुद भी दे दी जान। दोस्तों आपको बता दें, उन्नाव के 12 सगवर इलाके में रविवार की देर रात एक युवक ने अपनी पत्नी और मासूम बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद भी जान ले ली। आपको बता दें, उन्नाव में मां बेटी की हत्या के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। जिले के बारसागोर इलाके में रविवार की देर रात एक युवक का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आए पति ने पत्नी और 4 महीने की बेटी को कुल्हाड़ी से काट डाला। दोनों की हत्या के बाद उसने खुद भी जान ले ली। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बारासगोर थाना क्षेत्र के मंझगिया ग्राम पंचायत के मजरा रुदीखेड़ा गांव में श्यामपाल का परिवार रहता है। श्यामपाल कानूनगो थे, वो अब रिटायर हो चुके थे। उन्होंने अपने 32 साल के बेटे मोहन कुमार की शादी 2 साल पहले भगवंत नगर इलाके के नरेंद्रपुर गाँव की रहने वाली लड़की के साथ की थी। आपको बता दें, मोहन की 4 महीने की एक बेटी थी। श्यामपाल ने बताया कि मोहन की पत्नी और बेटी के साथ अलग घर में रहता था। रविवार की रात वो परिवार के अन्य सदस्य पड़ोस में भागवत कथा सुनने चले गए थे। इस दौरान घर में उनके बेटे और बहू में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद मोहन ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से पत्नी और मासूम बेटी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें, मोहन ने अपनी जान भी दे दी। कथा थे, जब परिवार के लोग घर लौटे, अंदर से दरवाजा बंद था। आवाज़ देने के बावजूद जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने अनहोनी की आशंका हुई। इस पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब खिड़की तोड़कर देखा तो माँ और बेटी के खून में शव पड़े थे। कमरे में मोहन की भी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुई। इसके बाद दरवाज़ा खोला गया। पुलिस ने उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्यामपाल ने बताया कि कुछ साल से बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने बताया कि पुलिस जाँच कर रही है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।